विगत दिनों हरोली दौरे पर आए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने हिमकैप्स लॉ एवं नर्सिंग संस्थान बढ़ेड़ा में एमएससी की कक्षाएं शुरू करने की बात कही है, जिस पर संस्थान के चेयरमैन देशराज राणा ने स्टाफ व हरोली वासियों को बधाई दी है। इसके साथ साथ उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार का धन्यवाद भी जताया है। देशराज ने कहा कि अगर संस्थान में एमएससी नर्सिंग की कक्षाएं शुरू होती हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जीएनएम की 20 सीटें बढ़ाने का भी आश्वासन दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि उनको दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा। और 20 सीटें हमारे जीएनएम नर्सिंग की बढ़ाने के लिए लिखा है, उसके ऊपर भी उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री जी हमारा ये पूरा ध्यान रखेंगे। मैं इसी के साथ प्रोफेसर राम कुमार जी का, जिन्होंने हमारी इस बात को प्रमुखता से स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाया और उन्होंने इसका पब्लिकली अनाउंस किया, इसके लिए मैं जहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, वैसे ही मैं जयराम ठाकुर जी का, हिमाचल सरकार का भी तहे दिल से अपने मैनेजमेंट की ओर से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में चल रहे इस संस्थान के लिए एक बहुत बढ़िया उपलब्धि ये हमें दी है। इसके लिए सरकार का भी, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद। आप हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी अभी हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उन्होंने, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने हिमकेप्स नर्सिंग कॉलेज के लिए एमएससी की कक्षाएं शुरू करने के लिए आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये कक्षाएं जो हैं वो हमारे यहाँ शुरू हो जाएंगी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ मिलने वाली है। बच्चे पंजाब में जाने के लिए या इधर उधर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से वी कौंडल के साथ मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।